वास्को रेल्वे स्टेशनवर रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षा हा एक मोठा प्रश्न बनलाय. रात्रीच्या वेळी प्रवाशांना सुरक्षा देण्यासाठी अनेक पावलं उचललेली असतानाही वास्को रेल्वे स्टेशनवर दोन प्रवाशांवर रेल्वे स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी बेशिस्त वागणूक करून त्यांना स्टेशनवरून हाकलून लावलं. एक युवक धारवाडचा असून तो परीक्षा देण्यासाठी आला होता. त्याच्याकडे वेनेकिनीचं रेल्वेचं तिकीट होतं, तरीही त्याच्याशी गैरवर्तणूक केली व त्याच्याविरुद्ध विचारले असता तिकीट कलेक्टरला मारहाण केल्याचा प्रकार वास्को रेल्वे स्टेशनवर घडला. याविरुद्ध पुढील कारवाई चालू असल्याचं पोलीस अधिकारी एस के नाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. जण हंगा येले ते बी रेल्वेची हे रेल्वे स्टाफ त्याने म्हणजे आम्ही तुका गेले त्याचे नाव विचारले. राधेश्याम कुमार आणि चंदर कुमार दोघांक आम्ही ॲप्लिकेशन भरून घेतले आणि मागीर त्याला हांगा मेडिकला धाडले चिकली. फुडले मागीर कितें येता ते मागीर फोन घेवन आमी मागीर तुका कारवाई करतले. अभी टी सी ऑफिस में अभी टी है. कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे दो लड़के लड़कियाँ. उन जिन्होंने बात अभी राधे श्याम जी बोला वो आए तो सही बात है कि उन्होंने टिकट था उनके पास. उन्होंने रूम पूछा. रूम पूछने के बाद में हम लोग जो बताएं कि देखिए वेटिंग हॉल जो है सिर्फ स्लीपर क्लास के लिए है, तो जनरल वेटिंग हॉल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. आप लोग ये काम कीजिए कि ऐसा है कि बाहर में कहीं पर आप लोग को शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अंदर में तो प्रॉब्लम होगी. आप लोग के पास में कोई वैसा मतलब फैमिली रिलेशनशिप है नहीं. तो हमने ये सब सेफ्टी के दृष्टिकोण से सोचा. मैंने फर्स्ट में एसएससी पास चाकू के पास जो हमने फ़ोन लगाया जो हमारे सीनियर हैं, तो उनके पास जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि जब उन लोग रिलेशन दोनों का हवाई फर्स्ट बन रही है तो उनको बाहर में दे दो, क्योंकि उनके फर्स्ट टिकट वेटिंग हॉल का स्लीपर का नहीं है. तो हमने सोचा कि रात है, इन लोग कहाँ जाएंगे, लाइट जल रहा है, एसएससी ऑफिस के सामने बैठा देते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो स्टाफ है ही कंप्लेंट कर लेंगे. मैंने ये सोच करके इनको ही बोला कि सर चलिए वहाँ पर बैठा दीजिए. उन्होंने यहाँ ला करके बाहर बैठा दिया. बैठाने के बाद में इन लोगों ने बाहर निकला, हम लोग चले गए ऑफिस में. इन लोगों ने आकर के उन लोगों को बदतमीजी किया और डांट डांट कर भगाने लगा. उन लोगों ने फिर मेरे पास आकर के हम लोग बोले सर वहाँ पर उन लोग गए तो उन लोग तो हम लोग लोग भगा रहा है मार रहा है. तो हम बोले कि ठीक है सर चलते हैं, हम लोग पूछते हैं क्या बात है. यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला कि इन लोग क्यों भगा रहे हैं, लोग बस टिकट है रात में सोने दीजिए. तो उन्होंने बोला क्यों नहीं भगाएंगे, आज तुम लोग नींद पड़ रहा है, जे आर पी वाले रात में आते हैं, उन लोग भी कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ है कुछ सेफ्टी नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी ऑफ हो गया तो अभी यहाँ क्या कर रहा है. तो इन्होंने बोला कि हमारा ड्यूटी अभी ऑफ नहीं हुआ, 10:30 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है. अभी कुछ भी होता है तो हमको थोड़ा उसका जवाबदेही होता है, इसलिए मैंने उनका सेफ्टी के व्यू से बैठाया था. इसी बात पर लगे तुम अभी जाओ, ये बोले कि नहीं इसको भगाइए मैं. तो इन्होंने तुम कौन होता है बोलने वाला, इसी पर इनको जो है हाथ पे पकड़ के उन्होंने जो है सर इनको मारने लगे. तो मैं बोला कि सर छोड़ दीजिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं. इसी बीच में हम छुड़ाने गए तो हमको भी मारे. और प्लस में देखिए जो यूनिफॉर्म ड्यूटी का है वो ड्यूटी का यूनिफॉर्म भी हमारा फट गया है. तो छुड़ाने में इतना मार दिया. अब समझिए कि इनका तो दर्द ही रहा है, मेरी को भी फट गया ड्यूटी. इसलिए जो बात है वास्तविकता इन्होंने जो बोला वो तो सही है. अब लड़का लड़की डर से किधर भागे, रात में कुछ भी होता है तो इन्हीं लोग तो जिम्मेवार होंगे. इसलिए इसको देख करके आप लोग जो उचित निर्णय हो थोड़ा इसको कीजिए. अभी आप क्या मतलब क्या चाहते हो, पुलिस FIR? हाँ सर FIR तो होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है ना. बराबर हम लोग ड्यूटी करते हैं तो या कुछ भी स्टाफ लोग हम लोग कंप्लेंट नहीं, जहाँ तक हम लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं किसी को भी कुछ कॉल भी करते हैं, ये पैसेंजर भी आते हैं तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं मिलता. प्लस में हम लोग गलत नहीं करते हैं, कोई भी आता है पैसेंजर हम लोग सेफ्टी के व्यू से काम करते हैं. बट उसके अपोजिट देखिए क्या मिल रहा है. अब बात से बोलते तो कोई चलता, लेकिन उन्होंने आकर के डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया. हम छुड़ाने गए मेरे को भी मानते हैं तो इसमें क्या करना. जिसको उबली जाना था हमारे पास में आए और रूम पूछने लगे. हमने कहा रूम तो सारे मीटिंग के चलते ब्लॉक किए हुए हैं, इसलिए रूम तो आपको नहीं मिलेगा. और आपका चूँकि जनरल टिकट है इसलिए हम वेटिंग रूम भी आपको नहीं दे सकते. और साथ में आप लोग जो हैं अलग अलग हैं तो वैसे भी वेटिंग रूम हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं. हमने SS से भी बात किया तो उन्होंने भी कहा भाई रूम तो इन लोगों को मत दो, भी बाहर कहीं पे बैठने के लिए बोलिए. उन लोगों ने हमसे पूछा कि सारे ऑफिसेज ना अभी बंद हो जाएंगे या खुले रहेंगे. हम लोगों ने कहा कि सभी ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, ओनली डिप्टी SS ऑफिस खुला रहेगा. आप लोग उसी के पास में बैठ जाइए, उधर आप लोग ज़्यादा सेफ रहेंगे, आपका सामान वगैरह भी सुरक्षित रहेगा. क्योंकि वो लोग इधर एग्ज़ाम देने आए थे, हम लोगों ने उनको वहाँ बिठा दिया और हम वापस ऑफिस में चले गए. थोड़ी देर बाद में डिप्टी SS ऑफिस के पास में जो कर्मचारी थे उन लोगों ने उनको भगाया उधर से, उनके साथ में बदतमीजी की. उन लोगों ने आके इसकी शिकायत हमसे की और कहा कि सर हम लोगों को तो उधर से भगा रहे हैं, हम लोगों से झगड़ा कर रहे हैं. हम लोग उधर आए और जो बाहर बैठा स्टाफ था उससे
यहाँ बैठा था वो स्टाफ, उनसे पूछा कि भाई इनको भगा क्यों रहे हो, इनको यहाँ पे बैठने दो, इन लोगों के पास में टिकट है। हम बात कर ही रहते थे, वो गंगप्पा सर जो अंदर बैठे हैं TNCR हैं, वो आए और उन्होंने सीधा आके मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और मुझे यहाँ पे मारा। मैं मेडिकल के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, यदि मुझे कुछ भी चोट वगैरह आई है उसके लिए गंगप्पा रिस्पॉन्सिबल है और गंगप्पा को इसके लिए पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। अच्छा, वो अब लड़के और लड़की हो जो कब थे, वो कहाँ हैं जो परीक्षा देने के लिए आए थे? हाँ, वो कर्नाटका धारवाड़ से था लड़का, तो उसका नंबर भी हमारे स्टाफ चंदन के पास में है। तो अब कहाँ हैं वो लोग? वो लोग भगा दिया इन लोगों ने उनको। अब रात में कहाँ हैं वो? अभी रात में उनके साथ में कुछ भी होता है उसके लिए यही लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। GOTV साठी सिद्ध यही रिमोट।